देखिए, पिछली सीटी भर्ती में टीएसपी के तमाम साथियों को परीक्षा जो केंद्र है वो अपने गृह जिले से 550-600 किलोमीटर दूर दिए गए थे, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं सामने आई हैं। कई सारी अभ्यर्थियों के साथ दुर्घटना हुई है, कई परिवार ने अपने जो बेटे थे उनकी नौकरी की सपना देख रहे थे, उनका भविष्य जो उज्ज्वल बनाने का एक सुनहरा अवसर ढूंढ रहे थे सीटी के माध्यम से, उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी खो दिया था। आज हम बीजेपी कार्यालय शांतिपूर्ण तरीके से अपने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आने वाली 10+2 सीटी भर्ती में टीएसपी के तमाम जो साथी हैं उनको गृह जिला या संभाग स्तर पर ही परीक्षा केंद्र आवंटित हो, जिससे ना कोई दुर्घटना हो, ना कोई समस्या उत्पन्न हो, ना प्रशासन को प्रॉब्लम आए, ना किसी परिवार को अपना बेटा या बेटी खोना पड़े। आज मुलाकात हुई जी, अभी हमारी सह प्रभारी जी से मुलाकात हुई है, उनके सामने हमने तमाम जो तथ्य हैं वो रखे हैं और उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि आने वाली जो सीटी भर्ती है उसमें आपको जो दूर सेंटर वाली जो पीड़ा है उससे निदान मिल जाएगा। और 3-4 बजे के आसपास माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम वापस वार्ता करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे और सह प्रभारी जी भी हमारी जो मांग है वो मदन राठौर जी के सामने मजबूती से रखेंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड में भी हमारा पक्ष जो है वो मजबूती से रखेंगे। सीटी 10+2 परीक्षा को गृह जिला या संभाग मुख्यालय पर एग्जाम सेंटर दिया जाए, इसके लिए हमने अभी ज्ञापन दिया। इसमें बताया है कि अपना सेंटर वहाँ दें, अपना मदन दिलावर जी से या मदन राठौर जी से बात करके सेंटर गृह मुख्यालय पर देने की बात करने, इस टाइप का आश्वासन हमको दिया है और वो 2-3 बजे तक या 4 बजे तक हमको, मतलब सह प्रभारी जी को हमने ज्ञापन दिया है, तो वो उनसे मुलाकात करेंगे, इस टाइप का आश्वासन दिया है।